आज इस वीडियो में आपको ऐसी शक्तिशाली योग के बारे में बताऊंगा, अगर आप इसे 15 से 20 दिन भी करना शुरू कर दें तो ये आपके शरीर में तेजी से रौनक बढ़ाने लगता है, यानी कि आपके चेहरे पर नेचुरल चमक बढ़ाने लगेगा। जिस आसन का नाम है शीर्षासन, जो कि आप अपने घरों की दीवारों या आसपास के पार्क में भी कर सकते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। शीर्षासन एक ऐसा योग है, अगर आप इसे अपनी डेली वर्कआउट में जोड़ लें तो यह आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा पहले के समय में 60 की उम्र में भी लोगों के चेहरे पर चमक रहती थी। इसका कारण है कि वो अपने डेली लाइफस्टाइल में योग जरूर करा करते थे, जिससे उनकी लाइफ बढ़ते चले जाया करती थी। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले शीर्षासन के फायदे के बारे में। अगर आप शीर्षासन रोजाना 5 से 10 मिनट भी करना शुरू कर दें तो ये आपके बालों के टूटने की समस्या को जड़ से ख़त्म करने लगेगा। सीधा सीधा बोलूँ तो यह आसन करने से आपके सफ़ेद बाल काले होने लगते हैं, क्योंकि इस योग को करने से हमारे शरीर का सारा खून हमारे सिर तक पहुँचने लगता है, जिससे होता क्या, हमारे मस्तिष्क की स्मरण शक्ति बढ़ते चले जाया करती है। अब मैं बात करता हूँ शीर्षासन के दूसरे फायदे के बारे में। अगर आपको तनाव या सिर दर्द की समस्या है तो वो शीर्षासन को 15 से 20 दिन भी करना शुरू कर दें तो आपकी सिर दर्द की समस्या तनाव दोनों जड़ से ख़त्म होने लगता है, क्योंकि आज के समय में लोग सिर दर्द की दवाई खा लेते हैं जो कि हमें राहत तो दिलाती है लेकिन कुछ ही दिनों तक। पर मैं आपको बता दूं, शीर्षासन एक ऐसा योग है जो कि हमारे दिमाग और सिर दर्द की समस्या को लाइफ टाइम तक ख़त्म कर सकता है। शीर्षासन करने से आपके सिर से जुड़ी हर एक नस नस मजबूत होने लगती है, यानी कि बहुत से लोगों को वर्कआउट करते समय धूप में चलते समय चक्कर आते हैं, जिसकी वजह होती है हमारे दिमाग में रक्त का प्रवाह ठीक से नहीं पहुंच पाता है। ऐसा मान लो कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे मस्तिष्क तक नहीं फैल पाता, लेकिन शीर्षासन योग करने से हमारे दिमाग में खून का प्रवाह तेजी से बढ़ने लगता है। अब बात करते हैं तीसरे फायदे के बारे में। जिन लोगों के दिमाग में काम वासना पूरे दिन तक चलती रहती है, जिससे होता क्या, हमारे दिमाग में गलत विचार पैदा होने लगते हैं, तो मैं आपको बता दूं, शीर्षासन करने से हमारा दिमाग काफ़ी हद तक शांत होने लगता है, क्योंकि शीर्षासन करने से हमारे मस्तिष्क में गलत विचार पैदा होने बंद होने लगते हैं। आपने देखा होगा हमारे भारत में जितने भी योगी हैं, ये सब लोगों में आपने एक चीज़ जरूर देखी होगी, उनका दिमाग इतना शांत और मजबूत क्यों रहता है। इसकी वजह है कि वो अपनी दिनचर्या में योग जरूर करते हैं, चाहे वो शीर्षासन हो या फिर प्राणायाम, जो कि इनके दिमाग को तनाव से बचाने में मदद करता है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो शीर्षासन को योग आसनों का राजा भी कहा जाता है, इतना शक्तिशाली होता है यह आसन। अब बात करते हैं शीर्षासन को करना कैसे है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको शीर्षासन सुबह के समय खाली पेट करना है। आप गुनगुना पानी भी ले सकते हैं इस योग को करने से 10 मिनट पहले। उसके बाद आपको शीर्षासन योग करते समय अपने हाथों पर अपना सर को टेक कर उल्टा खड़ा हो जाना है। अगर आप इस आसन को पहली बार कर रहे हैं तो आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं, जिससे आपके शरीर को सहारा मिलने लगेगा। जब आप शीर्षासन को करने में एक्सपर्ट हो जाओ तो आप बिना दीवार का सहारा लिए इस आसन को करना शुरू कर दें, मतलब कि एक परफेक्ट पोजीशन में। शीर्षासन के आपको 1 मिनट में 3 से 4 सेट करने हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, मतलब कि आपको इस आसन के फायदे साल भर तो छोड़ो महीने भर में ही दिखने लगेंगे, इतना शक्तिशाली हो सकता है ये आसन। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरे इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जो कि काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत।